बिटवा बाबू खाना कैसा लगा? वाह ग्रानी, क्या खाना बनाया आपने? जाना, तुम्हारे हाथ में तो जादू है जादू। वाह मजा आ गया। अरे मैं मास्टर शेफ की विनर जो थी। ओहो तुम लोगों ने तो मुझे बुला ही दिया, पर कौवा बच्चा भूखा बैठा है। बिटवा जा, जाके कौवे को खाना दे आ। ठीक है ग्रानी, मैं देकर आ जाता हूँ। और रुक, खाना देने के बाद छत की सफाई भी कर देना। ओह नो। अच्छा ठीक है ग्रानी। व्हाट्सअप ग्रो ब्रो, सब ठीक चल रहा है ना? मुझे पता है, मेरा भी वेट कर रहे थे कि मैं कब खाना लेकर आऊंगा और आपकी पेट पूजा होगी। Enjoy your meal. अरे ये तो चूचू चार्ल्स का अंडा है। Oh no. ग्रैनी, ग्रैनी! अरे बिट्टू क्या हुआ, इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? ग्रैनी ये देखो। ये तो देखा देखा लग रहा है कहीं। अरे वाह, ये तो कोई कीमती स्टोन लग रहा है, इससे तो मैं नेकलेस बनवाऊंगी। अरे ग्रैनी ये कोई स्टोन वो नहीं है, ये चूचू चार्ल्स का अंडा है। अरे नहीं। क्या चूचू चार्ल्स का अंडा? लेकिन यहाँ आया कैसे? ग्रैनी पता नहीं कहाँ से आया, वो आपको याद है लाल चमकदार अंडा, वो भी पता नहीं कौन छोड़कर चला गया था। ना समझ लड़के, कहाँ से चुरा कर लाया है इसे? हमारी जान के पीछे क्यों पड़ा है तू? अरे ग्रैंडपा, मैं इसको कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूँ, ये मुझे हमारे घर पर ही मिला है। अरे मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे ग्रैनी मेरी तो सोच सोच कर ही हालत खराब हो रही है कि अगर चूचू चार्ल्स को इस अंडे के बारे में पता चलेगा तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। हाय मोरी मैया, इस बार तो वो हमारी जान लेकर ही मानेगा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इस अंडे को ऐसी जगह छुपाऊंगी कि चूचू की सात पुश्तें भी नहीं ढूंढ पाएंगी। लेकिन ग्रैनी वो बहुत चालाक है, उसे पता चल जाएगा कि अंडा हमारे पास है। अगर वो चालाक है तो मैं बहुत चालाक हूँ। ये तो सब मुझ पे छोड़ दे बिटवा, और आगे आगे देख होता है क्या। ग्रैनी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं चूचू को खबर मिल गई कि उसका अंडा हमारे घर में है तो ना जाने क्या करेगा। बिटवा मैंने कहा ना, मैंने अंडे को ऐसी जगह छुपाया है कि मुझे भी याद नहीं कि अंडा मैंने कहाँ छुपाया है। समझ नहीं आया ना? नहीं मुझे भी नहीं आया। क्या जाना, ऐसे टाइम पे भी तुमको मजाक सूझ रहा है? बस तो फिकर ना कर, मैंने अंडा ऐसी जगह छुपाया है कि किसी का बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन फिर भी ग्रैनी वो अंडा है कहाँ, मुझे तो बता दो प्लीज। चुप कर, ज्यादा मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। कह दिया ना, अंडा बहुत खुफिया जगह पर छुपाया है। जाना मुझे तो लग रहा है वो चूचड़ा ही अंडा हमारे घर में छोड़ के जाता है। चुप कर बुढ़ो। अबे चक्रम, अगर वो खुद अंडा छोड़ के जाता है तो वो उसे लेने क्यों आता है? That's correct. ये बात तो मेरे भेजे में आई ही नहीं। लेकिन ग्रैनी मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वो है कौन जो एक एक करके चूचू चार्ल्स का अंडा हमारे घर में छोड़कर जा रहा है। बिटवा वो जो कोई भी है ना, अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। क्या बात है भैया जी, आज आपके चांद से मुखड़े पे परेशानी की बदली क्यों छाई हुई है? वो मगरू भाई चूचू चार्ल्स है ना भैया जी, उसका काम तमाम हो गया है का? काश मगरू भाई ये सच होता, लेकिन नहीं, कोई उसका अंडा हमारे घर में छोड़कर चला गया है। भैया जी हम किसी को आते जाते ना देखा, वरना उसकी बोटी बोटी अलग कर देते। उस चूचू का अंडा हमारे घर में है तो वो जरूर कोई गड़बड़ करने आएगा। हाँ मगरू भाई, मुझे उसी बात का डर लग रहा है। अरे बाप रे! अरे क्या हुआ मगरू भाई? भैया जी तनिक पीछे देखिए, काकी जी कितनी लंबी हो गई है। ग्रैनी ए,
लगता है मुझे भी कुछ गलत फहमी हो गई थी। मगरू भाई, आपको मैंने कितनी बार बोला है आप लेट नाइट तक हॉरर मूवीज मत देखा करो, ये उसी का असर है। लेकिन भैया जी, हम सच बोल रहा हूँ। नहीं 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 मगरू भाई, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, जाइए जाकर आप रेस्ट कीजिए और हॉरर मूवीज कम देखिए। मैं भी चलता हूँ। ओके भैया जी, सी यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। चलो अब मैं ड्रीमी गर्ल की मस्त नई मूवी देखता हूँ। बाबू जरा नीचे तो देखो, नीचे। यूं की ये कौन बोला? ओह नो, अरे बेबी तुम इतनी छोटी कैसे हो गई? अरे जानू, मुझे देख के डर क्यों रहे हो? अरे बचाओ! अरे ये मुझे देख के ऐसे घबरा रहा है जैसे इसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। बिटवा, ओ बिटवा! अरे क्या हुआ ग्रैंडपा? मैं मूवी देख रहा था, अचानक से नीचे नजर गई तो देखा कि तेरी ग्रैनी साइज में छोटी हो गई है। ग्रैनी साइज में छोटी हो गई है ग्रैंडपा? अब आप दिन में भी चढ़ाने लगे हो? अरे वो तो मैं सिर्फ झरझरी पुरपुरी के प्रोग्राम के टाइम पीता, मेरा मतलब है ना समझ लड़के, मैंने अभी नहीं पी है। ग्रैंडपा, ग्रैनी का चांद है जो बड़ी छोटी होती रहेगी। अरे तेरी ग्रैनी की कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। देखा देखा, इस आदमी के इरादे मुझे पहले से ठीक नहीं लगते। ग्रैनी की झूठी कसम खा के ग्रैनी को चाहते हो ना? बिलीव मी यार, मैं सच बोल रहा हूँ। ये आदमी ग्रैनी से पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए ग्रैनी की झूठी कसम खा रहा है। Why nobody trust me? She or Granny? अरे ग्रैनी तो आराम कर रही है, चलो तब तक मैं जाकर कैरेमल कस्टर्ड खा लेता हूँ। अरे ग्रैनी, आप यहाँ? आप तो कमरे में आराम कर रहे थे ना? आराम? अरे पगला गया क्या? मैं आराम करूंगी तो घर का काम कौन करेगा? लेकिन मैंने तो ग्रैनी को आराम करते ही देखा था। अरे बेटो ये सब छोड़, मैंने बाहर जाना है, जाकर मेरी ड्रेस प्रेस कर दे, मैंने बेड के ऊपर रखी हुई है। ठीक है ग्रैनी, कर देता हूँ। ग्रैनी को तो मैंने आराम करते ही देखा था, लेकिन ग्रैनी किचन में। प्रेस कर देता हूँ। अरे ग्रैनी आप ऊपर, आपने तो मुझे कपड़े प्रेस करने के लिए भेजा था ना? ड्रेस? मैंने कब कहा तुझे प्रेस करने के लिए? मेरी लाल लिपस्टिक नहीं मिल रही, जा जाकर उसे ढूंढ। अच्छा ठीक है ढूंढता हूँ। लिपस्टिक? अरे बिटवा क्या ढूंढ रहा है? आपकी लाल लिपस्टिक, वही तो ढूंढने भेजा आपने मुझे। अरे लिपस्टिक क्यों ढूंढ रहा है? मेरी सारी लिपस्टिक तो वैनिटी बॉक्स में पड़ी है। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं आपकी ड्रेस प्रेस कर देता हूँ। अरे तू क्यों प्रेस करेगा? सारे कपड़े तो मैंने धोबी को प्रेस करने के लिए दे रखे हैं। हाँ? बिटवा कोई काम नहीं है, जा जाकर तू आराम कर ले। ओके। अरे ग्रैनी को आज हो क्या गया है? कहीं ग्रैनी ने भी। कैसी हो सिलेंडरना दिद्दे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे चुडवा? दिद्दी क्या बात है चुडवा, तू सिसक क्यों रहा है? दिद्दी ग्रैनी बहुत अजीब बिहेव कर रही है, कभी कुछ बोलती है तो कभी कुछ, और पहले जो बोला होता है वो सब भूल जाती है। जे ड्रामा तो बुढ़िया पहले भी कर चुकी है। पहले क्या हुआ था दीदी? एक बार बुढ़ाऊ और बुढ़िया की जम के लड़ाई हो गई थी, बुढ़ाऊ का डंडा बुढ़िया के कपाल में बज गया था, बुढ़िया अपनी अरदास को बैठी थी, उस टाइम भी उसने ऐसा ही ड्रामा किया था। ओ बेटवा, ओ नो, अरे क्या हुआ छुड़वा, सब ठीक तो है? दीदी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, टेक केयर, बाय। अरे ये सब क्या हो रहा है, ग्रैनी इतनी बड़ी? बिटवा जरा इधर तो देख, इधर देख, मैं इधर हूँ बिटवा। पहले इतनी बड़ी ग्रैनी और फिर इतनी छोटी ग्रैनी, अरे ये सब क्या हो रहा है बिटवा? अरे बिटवा क्या हुआ तुझे? इतनी सारी ग्रैनी, अरे कहने पागल हो जाओ, बचा!
बिटवा बिटवा तूने देखा तेरी ग्रैनी के इतने सारे हमशक्ल पता नहीं कहाँ से आ गए। हाँ ग्रैंडपा मैंने भी देखा लेकिन इतनी सारी ग्रैनी कहाँ से आ गई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिटवा मेरा तो सर चकरा रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। बचा बचा मुझे। जा जाकर देख तेरी असली ग्रैनी मुसीबत में तो नहीं। हाँ ठीक है ग्रैंडपा। उसका भी फोन आया था वो बोल रहा था कि क्या नाम है उस ज्वेलर का। बिटवा मैंने कनिष्क ज्वेलर में दिया है। ये है मेरी असली ग्रैनी। अब सारी डुप्लीकेट ग्रैनी अंदर बंद रहेंगी। ग्रैनी सबसे पहले आप मुझे सच सच बताओ कि ये सब गड़बड़ घोटाला हुआ कैसे। बिटवा वो चूचू जांच कांड था ना। हाँ उसका मैंने ऑमलेट बनाकर खा लिया। क्या? अरे नहीं कहीं छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने उसे खा लिया। उसकी वजह से मेरे इतने सारे रूप बन गए। स्वीटी बिटवा बचाओ मुझे। बुढ़ाऊ तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता जल्दी से मेरा अंडा दे दे। अरे नहीं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ है मेरा अंडा? मैं अपना अंडा लेने आया हूँ। अंडा? बिटवा मत बताना इसे। ग्रैनी ने खा लिया है। बिटवा क्या हुआ सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? इसका मतलब ये सब एक सपना था। सपना? कैसा सपना? कुछ नहीं ग्रैनी मैंने ना एक बुरा सपना देखा। बिटवा क्या देखा तूने? ओह नो। अब क्या हुआ कुछ बोलेगा भी? हाय गाइस, आई होप आपको इतनी सारी ग्रैनीज को एक साथ देखकर खूब मजा आया हो। तो फटाफट से मोहक मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।